केमिस्ट्री। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के अंदर आने वाला एक टर्म अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन थ्रू स्पेस। तो अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन थ्रू स्पेस से मतलब है हम लोग का कि मॉलिक्यूल के अंदर या फिर दो मॉलिक्यूल में स्पेस में मतलब क्या होगा, स्पेस में उसका मतलब जो हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है उसमें, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्मेशन से क्या होता है, मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक। तो हम लोग इसमें कुछ बातें देखेंगे। ये अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन किस में होगा, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में, लाइक यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग देख सकते हैं कि जब हेट्रोसाइकल का बात करते हैं तो उसमें हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है, ये ऑक्सीजन या तो फिर नाइट्रोजन, ठीक है, और भी होते हैं लेकिन हम लोग का मेन है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं। और जो सब्सिट्यूएंट जुड़ा रहता है, अगर वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा या फिर अमाइनो ग्रुप रहेगा, तो क्या ये तो इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं ना। OH में अगर हम लोग देखें तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। अमाइनो ग्रुप में देखें तो N होता है उसके पास, वो भी क्या कर सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। और ये जो इफेक्ट डालता है, जो अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, वो इफेक्ट सीधा इफेक्ट डालता है उसके कन्फर्मेशनल प्रेफरेंस पे, मतलब कौन सा कन्फर्मेशन उसका ज़्यादा प्रेफर करता है। तो एग्जांपल में हम देख सकते हैं यहाँ पे थ्री हाइड्रोक्सी पिरिडीन्स का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे बनता है। तो क्या होता है इसमें हम लोग देखते हैं दो टाइप से हो सकता है उसका कन्फर्मेशन। यहाँ पर देखिए एक्सियल पोजिशन पर जब जुड़ा रहता है तो नाइट्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है, लेकिन यही चीज़ क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल में जब जुड़ा रहता है, जब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग इक्वेटोरियल पे है ये वाला नाइट्रोजन, ठीक है, तो जब इक्वेटोरियल पे रहता है तो यहाँ पे इंट्रैक्शन देख रहे हैं कि हम लोग नहीं हो पा रहा है अच्छे से। तो जब इंट्रैक्शन नहीं हो पाता है तो क्या होता है, ये वाले कन्फर्मेशन क्या होगा, कम होगा, लेस होगा, और ये वाला कन्फर्मेशन के प्रेफरेंस क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। तो यही होता है, उसके जस्ट इफेक्ट डालता है किस पे, कन्फर्मेशनल प्रेफरेंस पे। एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 5-hydroxy-1,3-dioxane, ठीक है, 5-hydroxy-1,3 और ये 5-hydroxy-1,3-dioxane का जब बात करते हैं तो जब ये एक्सियल पोजीशन पे रहता है, जब ये एक्सियल पोजीशन पे रहेगा तो इस वाले ऑक्सीजन के साथ क्या कर पाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। लेकिन यही कब का क्या होता, जब यहाँ पे रहता, मान लीजिए इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहता तो इंट्रैक्शन नहीं हो पाता, तो बोला कन्फर्मेशन क्या हो जाता, लेस हो जाता, ठीक है। दूसरा इफेक्ट देखते हैं हम लोग इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक इंट्रैक्शन। इसमें कुछ नहीं होता है, बस क्या होता है ना कि एक ही मॉलिक्यूल में हमारा न्यूक्लियोफिलिक एटम भी प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रोफिलिक भी प्रेजेंट होता है, और ये होता है मीडियम साइज रिंग में होता है, ठीक है। इसमें हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम लोग ले लिए यहाँ पे अमाइनो कीटोन्स का एग्जांपल, हम लोग देख सकते हैं कि नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन हम लोग का न्यूक्लियोफाइल के टाइप से काम कर सकता है। यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे पॉजिटिव में निकल गया, यहाँ पे निगेटिव, ठीक है, और ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ये निगेटिव में टूटेगा और ये क्या टूटेगा, पॉजिटिव में। तो जो निगेटिव और पॉजिटिव का इंट्रैक्शन होगा, इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये दोनों क्या होते हैं, टॉटोमेराइज करते हैं, साइक्लिक टॉटोमेरिज्म होता है ओपन चेन में और साइक्लिक में। देख सकते हैं यहाँ पे, ये हम लोग देख सकते हैं कि ये हम लोग का न्यूक्लियोफाइल बन गया, नाइट्रोजन को क्या चाहिए, न्यूक्लियस चाहिए, तो न्यूक्लियोफाइल बन गया, और कार्बन को क्या चाहिए, अब इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रोफाइल बन गया। तो दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होता है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये जो कार्बन है इसको न्यूट्रॉन दे देगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे। तो इस टाइप का बॉन्ड बनता है, इसको और अच्छे से हम लोग इस टाइप से देख सकते हैं, 5-membered रिंग बन गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन वाले थे और ये 4 और 1 5, तो 5-membered रिंग बन गया यहाँ पे। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे 6-membered भी रिंग बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होगा, इंट्रैक्शन होगा तो रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा, ये बन जाएगा। और हाँ,
ये जो इंट्रैक्शन होता है अट्रैक्टिव है, वो तो ऐसे ही पता चल रहा है देखने ही से कि अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन है। और जो इंट्रैक्शन होता है इसके कारण जो एमाइनो कीटोन होता है वो वीकली बेसिक हो जाता है। क्या हो जाता है? वीकली बेसिक, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटोमेराइज हो रहा है, और जो टोटोमेराइज होते रहता है तो उसमें वीक बेसिस के इफेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। और जो प्रोटोनेटेड होता है, मतलब जो प्रोटॉन को लेता है, प्रोटोनेशन जो होता है वो ऑक्सीजन पे होता है, नाइट्रोजन पे नहीं। हम लोग को पता है ना कि नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर होता है वो जल्दी डोनेट हो सकता है, और ऑक्सीजन पे कम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्रोटोनेशन किस में होता है? ऑक्सीजन में, और नाइट्रोजन में कम होता है, मतलब होता ही नहीं है नाइट्रोजन में। तो ये था हम लोग का अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन थ्रू स्पेस। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।